कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आ गए हैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ और फिर से मज़ेदार चटपटे मसालेदार क्वेश्चनों के साथ। हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास लिखा है 8 की पावर x = 2, तो आपसे पूछेगा, आपसे मान पूछा जा रहा है 2 की पावर 6x का। तो सबसे पहले आप सभी लोग ट्राई करिए, मेरे को आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत मज़ेदार सवाल है, 8 की पावर x = 2, तो आपसे पूछा जा रहा है 2 की पावर 6x का सवाल, मतलब आंसर क्या होगा। घातांक एवं करणी का बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले आपको बता दें कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को तो 2 की घात 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, x बराबर 2 की घात, यहाँ कुछ नहीं है तो घात कितनी कर लो, 1। अब आप ये देखो, खोपड़े के ऊपर अगर खोपड़ा है तो खोपड़े खोपड़े का क्या हो जाता है, टकराव यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3x बराबर 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5। और आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, बराबर, यानी 3x बराबर 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी चल के आ गई, 1/3, कितनी आ गई, 1/3। आपसे x का मान अगर पूछता तो आपके पास ये आंसर था, लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा है बच्चा, आपसे पूछा गया है 2 की पावर 6x का मान। तो बस आप 2 लिखिए, 6 लिखिए और x की वैल्यू कितनी है, 1/3 लिखिए, 3 से काटेंगे, 3 × 6, फाइनल आंसर 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। ऑप्शन 4 में आंसर 4 और आपको नंबर भी कितने मिलेंगे, 4। तो इस तरीके से 4-4 की कहानी यहीं पर क्या और ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, तो आइए फिर से हमारे पास एक बेहतरीन सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है cos 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री का मान बताना है। देखिए सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार वाली नज़रों से देखिए, क्योंकि कहते हैं कि जिससे प्यार होता है उसको देखने में बड़ा सुकून मिलता है, और हम यही चाहते हैं कि आप इस प्रश्न को भी उसी नज़र से देखें, क्योंकि यहाँ का जो सुकून है और आगे चल के ये सुकून कहाँ पर तब्दील हो जाएगा इसका अंदाजा अभी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो cos 75 और sin 75 का मान कैसे आएगा, देखो सबसे पहले एक सेट होता है, आप यहाँ पर cos 75 नहीं जानते हो, लेकिन हाँ इस cos को हम sin में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे को cos से जंप मारनी है sin में, तो 90 से बस इतना क्या कर देंगे, माइनस। तो 90 से जब आप 75 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, साइन 75 डिग्री। और मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है कि साइन 15 और साइन 75 का मान कैसे आता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है, साइन 15 होता है √3 − 1/2 √2, और आपका साइन 75 डिग्री होता है बेटा √3 + 1/2 √2। तो इस तरीके से आप साइन 15 और साइन 75 डिग्री का मान याद कर सकते हो, और बहुत आसान है, 15 छोटा है तो बीच में माइनस, 75 पड़ा है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, और साइन 15 की वैल्यू √3 − 1/2 √2, और साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2 √2, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो 2√2 ऊपर √3 − 1 ऊपर √3 + 1, ये बताने वाली बातें नहीं है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से आपका ये कितना बन जाएगा, 2√3 / 2√2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। तो इस तरीके से आप मान निकाल सकते थे किसका, cos 75 और sin 75 डिग्री का। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमारे सामने आ चुका है, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है, काफी दफा आया हुआ है। डिस्टेंस निकालनी है दो रेखाओं के बीच की, कैसे आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस होती क्या है, तो यार सिंपल सी बात है, डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तभी डिस्टेंस आती है। अब पैरेलल की पहचान कैसी होगी, तो जैसा आपके एक्स के आगे यहाँ पर नंबर लिखा होगा वैसा एक्स के आगे यहाँ पर भी लिखा होगा, जैसा यहाँ पर वाई के आगे लिखा होगा वैसा यहाँ पर भी वाई के आगे लिखा होगा, चेंज आपका बस ये वाला होगा, यहाँ 8 है यहाँ कितना है, 32 है, बस यही चेंजमेंट होगा। अगर दो लाइन है पैरेलल है, पैरेलल की पहचान, जैसे मैंने कहा बताइए क्या रेखाएं x + y + 8 = 0 और 2x + 3y + 9 = 0,
पैरेलल है, तो आप सबसे पहले देखो क्या x के आगे वाला x का साथी दो है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस भी नहीं है। तो डिस्टेंस तभी आपके पॉसिबल है जब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप देखते हैं जरा क्या ये पैरेलल है, यस और नो, तो बिल्कुल हमारे लिए दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी इनके बीच की है। तो अब वो डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होगी, तो उस डिस्टेंस को निकालने का बेटा हमारे पास क्या है किट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर सी वन निकालना है, फिर सी टू निकालना है। आपका तो ये कैसे आएगा, ए जो सेम है यानी पहला वाला 4, बी जो बाद वाला यानी 2, सी वन कहाँ से आएगा, तो इनमें से किसी को भी सी वन कह दो, किसी को भी सी टू कह दो, ठीक है। अब पहला वाला है तो इंसानियत पढ़ाई लिखाई और गणित यही कहती है कि जो पहले नंबर पे है वही क्या होगा C1, और जो दूसरे नंबर पे वही क्या होगा C2। बिल्कुल जिद रखो, सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए भाई। देखो क्या होता है, सफलता के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, जिद, भूख और पागलपन, भूख और पागलपन, तो ये तीनों चीजें बेटा आपके अंदर है तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपके सिलेक्शन से। तो इसलिए बिल्कुल जी जान लगा दो, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ क्या करनी है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन पाना ही है। ए आ गया, बी आ गया, सी वन आ गया, सी टू आ गया। अब देखते हैं डिस्टेंस कैसे आएगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा सी वन डिफरेंस सी टू अपॉन रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप देखिए C1 डिफरेंस C2 का मतलब डिफरेंस क्यों लगाया, मॉड क्यों लगाया, डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव। क्या कभी आपने किसी को पता बताते वक्त ये बोला कि नहीं वहां से -5 किलोमीटर थोड़ा सा है, नहीं। अब आप हमेशा कैसे बोलते हो, पॉजिटिव ही बोलते हो, तो वैसे डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो हमेशा बड़े में से किसको माइनस करते हैं, छोटे को, तो बड़ा कौन है यहाँ पर, मुखिया कौन है हमारा 8, और छोटा कौन है -32, अपॉन में कितना हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 चौके 16, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 8 प्लस 32 अपॉन में रूट में कितना हो जाएगा 20, 32 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 40 अपॉन रूट में 20, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। तो जहां पर आपको ये आंसर मिले तुरंत टिक लगाओ और 4 नंबर लेकर जाओ। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, आपके एग्जाम में सेट थ्योरी से रिलेटेड भी काफी सारे प्रश्न आते हैं, अब उनमें कौन कौन से किस किस टाइप के, थोड़ा सा टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑब्जेक्ट वस्तुओं का, लेकिन उसकी कोई बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए जो सभी के लिए क्या हो, फिक्स हो, उसके रिजल्ट कभी चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, हमने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का समुच्चय है, तो आप हमेशा, आप क्या पूरी दुनिया कहेगी ए ई आई ओ यू। मैंने कहा इवन नंबर्स का सेट यानी 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन अगर मेरी यही जो हमारा प्रश्न है ये थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मैंने कहा खतरनाक जानवरों का समुच्चय, क्या ये आपका जो सेट है ये मैथमेटिकली वेरीफाई है कि हाँ ये सेट है कि नहीं, तो यस और नो में अगर कोई मेरे से प्रश्न करेगा तो मेरा आंसर होगा नो। व्हाई, आखिर इसका रीज़न क्या है। रीज़न बेटा ये है कि आपको हो सकता है, आप में से मैक्सिमम व्यूवर्स जो हैं उनको लग रहा होगा कि हमको इस चीज़ से डर लगता है, हमको उस चीज़ से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को चींटी से भी डर लगता है, किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। बेटा आपको जानकारी के लिए बताते हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर सांप पाले जाते हैं। किसी को शेर से डर लगता है, आपको जानकारी के लिए बताते हैं बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर शेर क्या करे जाते हैं, पाले जाते हैं। क्या उन लोगों को डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमको लग रही हैं हमें उससे फियर है, वो किसी और के लिए उस चीज़ से उसको फियर नहीं है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये खतरनाक जानवरों का समुच्चय वेल डिफाइंड नहीं है। आपके लिए वेल डिफाइंड मतलब उसका रिजल्ट कभी भी चेंज ना हो, नॉन चेंजेबल हो, याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं किसी सेट के बारे में, सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या फॉर्म है। सेट को हमेशा एक मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, वो सेट हमारा हो सकता है 1, 2, 3... और हमेशा रिप्रेजेंट करते किसी कैपिटल लेटर से। लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म और एक हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म जिसमें सब दिखेगा, एक एक एलिमेंट आपको दिखेगा, आप उसको अपनी आंखों से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर सेट बिल्डर की मैं बात करूँ तो सेट बिल्डर में आपको दिखेगा कुछ नहीं, केवल केवल बात होगी।
जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, आप नहीं समझ पाए, मैंने लिखा x सच दैट x, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल n. x बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग यूजेस नंबर्स होते हैं. आपसे मैंने कहा, आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं, आपको काउंट करना, आप कभी नहीं माइनस वन जीरो कभी नहीं करोगे. आप हमेशा काउंटिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5 से, वैसे ही काउंटिंग यूजेस नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे? काउंटिंग यूजेस नंबर्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स. तो वही नेचुरल नंबर्स का क्या है, ये सेट है. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म. एग्जांपल के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है. जैसे आपके पास कोई एक सेट है, सपोज एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 9, और आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि इससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे. आप सबसे पहले इनको काउंट करिए, 1 2 3 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और आप तुरंत नंबर निकालना है ना, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, NOS निकालना है. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16. एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप याद रखिएगा सबसेट क्या है. सबसेट का मतलब ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो इस इकलौते सेट से क्या है, मिलकर बने हैं. तो उस सेट को हम इस सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे. ठीक है, तो वो नंबर्स कितने होंगे, कितने ऐसे तैयार होंगे, तो वो कितने तैयार होंगे, 16 तैयार होंगे. कभी कभार आपके सामने प्रश्न आ जाता है, बी भी दे देता है 2 और दे देता है 4, और आपसे कहेगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, या आपसे कहेगा ए यूनियन बी निकालो. मेरे पास ए ये है, मेरे पास बी ये है, इनका इंटरसेक्शन और इनका यूनियन कैसे निकाला जाता है, बहुत खास है. तो आप याद रखिएगा, इंटरसेक्शन के लिए आप इन दोनों में से कुछ देखोगे जो कॉमन होगा, तो वो कॉमन हमारे पास 2 है, वो हमारे पास 4 है. तो जो कॉमन पार्ट है 2 और 4, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर. इसी के साथ साथ यूनियन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखना है, तो वो हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया. इस प्रकार से हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, वो भी चीज चलकर आ चुकी है. बात अभी यहीं पर बंद नहीं होती है. अब हमारे पास ए डैस भी आ जाता है, कभी कभार निकालने को बी डैस भी आ जाता है. ए डैस कैसे आएगा, बी डैस कैसे आएगा, ऐसे मामले में एक यूनिवर्सल सेट देता है, ये ए ना होकर अगर यू है, जब भी ए डैस की बात होगी यू बेटा जरूर वहां पर होगा, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. अब आप ए डैस कैसे निकालोगे, तो ए डैस का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, बी डैस का फॉर्मूला होता है यू माइनस बी, यानी यू में आप ए को घटाओ, यू में आप बी को घटाओ. यू आपका ये है, ए आपका ये है, घटाएंगे तो घटाने से मतलब जो सेम नंबर्स हैं जो यहाँ से वहाँ पर उपस्थित है उनको गायब करना है. गायब में 2 चला जाएगा, गायब में 4 चला जाएगा, गायब में 6 चला जाएगा. तो हम लोग एक काम करते हैं, शुरुआत के कुछ नंबर्स लिख देते हैं. यू में ए को माइनस, तो कितना 1 2 था कॉमन, गायब. अब बचा क्या उधर से 3 4 था कॉमन, गायब. अब बचा क्या उधर से 5. ऐसे करते करते 1 3 5 डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश माइनस, यू ए डैश आ जाएगा यू माइनस ए. ऐसे ही यू माइनस क्या करना है, बी. अब बी में क्या है, 2 और 4, तो यू में कितना माइनस करोगे 2 और 4 को, तो यहाँ पर 1 3 2 गया, 4 गया, 2 चला गया, 4 चला गया, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर आएगा 7 डैश डैश डैश. इस तरीके से आप बी डैश भी निकाल लोगे, ए डैश भी निकाल लोगे. तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हम सेट थ्योरी के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सब एक एक करके आप तक पहुँचाई जाएंगी. आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, लोगों तक पहुँचाओ, वो आए देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, मेरा भी दिमाग क्या करेगा, अच्छे चलेगा. थैंक यू.